अखाड़ा में आज रूस यूक्रेन युद्ध पर ही बनाए रखेंगे नजर। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। इस युद्ध के बीच में ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन रूसी बच्चों को पुतिन के अखंड रूस के सपने को साकार करने के लिए तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल बाद एक बार फिर रूसी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मिलिट्री कोर्स को जरूरी कर दिया गया है, यानी नेशनल सर्विस को जरूरी कर दिया गया है। और अब स्कूलों में AK राइफलों और ग्रेनेड की ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को मिलिट्री की सलामी करना और मिलिट्री रक्षा कवच को पहनना भी सिखाया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। युद्ध के एक साल पूरा होने से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पहले ही मॉस्को की कोशिश है कि वो यूक्रेन को झुका दे। पूर्वी यूक्रेन से लेकर यूक्रेन की राजधानी के आसपास रूस का अटैक तेज होता जा रहा है। यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से जवाबी हमले कर रहा है और अभी यूरोपियन यूनियन और नेटो सदस्य मुल्कों ने जिस तरह से टैंक गठबंधन बनाकर कीव को अत्याधुनिक टैंक देने का वादा किया है उससे लगता नहीं कि फरवरी में क्रेमलिन इस जंग को खत्म कर पाएगा। इससे मॉस्को बाखबर है और यही वजह है कि पुतिन लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लाखों की संख्या में सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि रूस के स्कूलों में मिलिट्री कोर्स शुरू किया गया। सोवियत यूनियन की यादें ताजा करने की कोशिश, लाइफ सेफ्टी कोर्स के नाम पर सैन्य प्रशिक्षण, AK राइफल और ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग, सलामी देने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 सितंबर से ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया। दिसंबर से विश्वविद्यालयों में भी सैन्य कोर्स। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक पुतिन ने सोवियत यूनियन को फिर से स्थापित करने की कोशिशों को शुरू किया है क्योंकि 1993 तक ऐसी ही सैन्य ट्रेनिंग रूस के स्कूलों में अनिवार्य थी और इससे पता लगता है कि युद्ध के दौर से गुजर रहे रूस में सैन्य माहौल बढ़ता जा रहा है। 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि रूस अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के जुगत लगा रहा है। मॉस्को अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती के लिए जरूरी आय सीमा को भी बढ़ा सकता है जो फिलहाल 27 साल है। रूसी राष्ट्रीय डूमा डिफेंस कमेटी इस आयु सीमा को 3 साल बढ़ाकर 30 करना चाहती है और इसका प्रस्ताव दिया जा चुका है। इससे जाहिर होता है कि रूस को भी आशंका है कि यूक्रेन जंग लंबी खींच सकती है। हालांकि शुरू से ये आशंकाएं रही हैं कि पुतिन सोवियत यूनियन को फिर से स्थापित करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है जिस पर अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है। ब्रिटेन के मुताबिक रूसी सरकार अपने स्कूलों में ऐसे कोर्स लाकर बच्चों और बालिगों में सोवियत यूनियन की सोच को जब्त करने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वो आने वाले समय के लिए तैयार रहें। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।